बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो आज की रेसिपी है स्टिकी टॉफ़ी पुडिंग, और साथ बनाएंगे कैरमल सॉस। उसके लिए लेंगे सबसे पहले 450 ग्राम डेट्स, और एक कप हॉट बॉइलिंग वाटर में हम दो साशे कॉफ़ी, इंस्टेंट कॉफ़ी का डाल देंगे। उसको मिक्स करके खजूरों में डाल देंगे और उसको साइड पे कर देंगे। फिर एक बाउल लेंगे, उसमें हम तीन कप लेंगे मैदा, दो टीस्पून बेकिंग पाउडर और दो टीस्पून बेकिंग सोडा और एक टीस्पून सॉल्ट। ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके साइड पे कर देंगे। फिर एक नया बाउल लेंगे और उसमें बटर डालेंगे 12 टेबलस्पून, और उसमें साथ ही डाल देंगे ब्राउन शुगर, वो डेढ़ कप यूज़ करेंगे, और साथ ही चार अंडे डाल देंगे और वनीला एक्सट्रैक्ट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी मेंशन कर दूंगी। ये दो बेकिंग डिश की क्वांटिटी है। अगर आप एक डिश बना रहे हैं तो आप क्वांटिटी को हाफ कर सकते हैं। इस पॉइंट पर चाहें तो इलेक्ट्रिक बीटर भी चला सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद जो डेट्स का मिक्सचर बनाया था कॉफ़ी डाल के, उसमें हम पोर कर देंगे, और साथ ही आहिस्ता आहिस्ता करके मैदा मिक्स करेंगे और उसको मैन्युअली उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह का थिक सा मिक्सचर तैयार कर लेंगे। उसके बाद 9 इंच के बेकिंग डिश ले सकते हैं और उसको ग्रीस करके उसमें मिक्सचर पोर कर देंगे। अब बनाएंगे टॉफ़ी सॉस। उसके लिए लेंगे एक कप बटर, दो कप ब्राउन शुगर और 1.5 कप हैवी क्रीम। उसको पैन के ऊपर रख के उसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। उसको इतना पकाएंगे जब तक कि वो थिक ना हो जाए। केक हमारा रेडी हो गया है। इसको थोड़ा सा हल्का सा कूल डाउन करने के बाद इसमें छोटे छोटे होल कर लेंगे, फॉर्क की मदद से आप कर सकते हैं। और उसके बाद आप उसमें टॉफ़ी सॉस इसके ऊपर पोर कर देंगे। आप इसको ब्राउनी को गरम गरम सर्व करेंगे, और चाहें तो उसके ऊपर वनीला आइसक्रीम के साथ सर्व कर सकते हैं। मज़ेदार स्टिकी टॉफ़ी पुडिंग रेडी है। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।